कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के साथ ही अब नशे का काला कारोबार करने वाले फिर एक्टिव हो गए हैं। सोलन पुलिस उन्हें अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दे रही है। पुलिस ने अपने गुप्तचरों का जाल जिला सोलन में पूरी तरह से बिछा रखा है। जैसे ही कोई नशे की खेप सोलन आकर पहुंचती है तो पुलिस के गुप्तचर उस क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं और पूरी जानकारी लेकर पुलिस अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस अपना जाल बिछाकर अपराधियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा देती है। सोलन में खबरी से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए परमाणु की सीमा पर एक बस से चिट्टा बरामद किया गया। इस मामले में दो युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि SIU की टीम ने गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक परमाणु की सीमा पर बस में आ रहे हैं, उनके पास चिट्टे होने का शक है। SIU की टीम ने जाल बिछाकर बस को रुकवाया। युवक की तलाशी ली गई तो युवक की टी शर्ट के अंदर 32.58 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान मंजीत जो कोटला गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा युवक सौरभ ठाकुर गलनाग गांव का रहने वाला है। दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये नशे की खेप कहां से लाए हैं और कहां ये बेचने जा रहे थे। जिला सोलन पुलिस ने नशाखोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें हमने सब डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे जो है सादे कपड़ों में टीमें तैनात की हैं और समय समय पे जो है वो सूचना एकत्रित करके जो लोगों के घरों में या वाहनों में रेड कर रही है और हमें इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। पिछले कल SIU का दल जिला सोलन हेडक्वार्टर से पेट्रोलिंग पे थे और जब वो TTR में मौजूद थे तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बस है, इसमें दो युवक आ रहे हैं और वो चिट्टे के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। अगर उनकी चेकिंग की जाए तो उनसे चिट्टा प्राप्त हो सकता है। तो करीब 12 बजे के बाद रात को बस आई तो जिसे SIU ने हाथ देख के रोका तो उसमें दो व्यक्ति अंदर बस के अंदर बैठे थे, उनका सीट नंबर बाकायदा बताया गया था। उनको गांवों की जो विटनेसेस मौके पर लिए गए थे उनके सामने उतारा, उनकी टी शर्ट, एक युवक की टी शर्ट के अंदर से जो है वो चिट्टा जो 32.58 ग्राम जो है बरामद हुआ है। तो पुलिस ने जो है इन दोनों युवकों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और आगामी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि ये चिट्टा कहाँ से आया है।